बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में पिज्जा विदाउट चीज एंड पिज्जा विदाउट यीस्ट की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि पिज्जा विदाउट चीज एंड यीस्ट किस तरह बनेगा। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे वो ये हैं। मैंने एक कप जो है वो मैदा लिया है, दूध एज पर रिक्वायर्ड जितना जरूरत हो उतना हम इस्तेमाल करेंगे, वैसे फिलबक्त एक कप लिया है। चिकन की जो बोटी है हमने वो ले लिया, बॉईल कर लिया जस्ट नमक डालकर, और इसको श्रेड कर लिया है। इसके अलावा हमने कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्चे रेड और ग्रीन कलर के, जिसको हमने लंबा कट कर लिया है। नमक हमने 1/4 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून जो है वो हमने रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किए हैं, जिसे मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी कहते हैं। 1/4 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, काली मिर्च हमने 1/4 टेबलस्पून ली है, बेकिंग सोडा जो है वो हमने 1/4 टेबलस्पून लिया है। याद रहे इसमें दोनों जाने हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसके अलावा हमने टोमेटो सॉस ली है, पिज्जा टोमेटो सॉस। इसके साथ हमने योगर्ट यानी कि दही ली है 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिज्जे की डो को रेडी करेंगे। हम एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर इस मैदे को हम डालकर इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो मैदा है वो अच्छे से हमने डस्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक शामिल कर दो। इन सारी चीजों को अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके जो है वो दही शामिल करेंगे। अब हमारी जो डो है पिज्जे की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको 15 मिनट के लिए ढांक कर छोड़ देंगे। चलिए व्यूअर्स, जब तक हमारी डो जो है रेस्ट पोजीशन में है, तब तक हम क्या करेंगे, पिज्जे की स्लरी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून जो है वो हमने मैदा लिया है, जो मैंने आपको पहले बताई थी काली मिर्च पाउडर वही इस्तेमाल करूंगी 1/4 टेबलस्पून, और साथ में थोड़ा सा हम दूध इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच ऑयल के साथ। स्लरी बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पैन में जो है 1 चम्मच खाने वाला ऑयल ले लिया है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। अच्छा, हमने क्या करना है, आग को मीडियम कर देना है। जो मैदा है 2 टेबलस्पून वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा हमने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्स ना बने, गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है, मीडियम से भी लो, जैसे चावलों को दम लगाते हैं इतनी स्लो मैंने आंच की हुई है नीचे। अब मैंने मजीद इसके अंदर जो है वो दूध शामिल किया है। अब हमने इसमें तब तक चम्मच चलाना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी किसी किस्म का लम्स नहीं है। बस आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और इसको प्रेस करते जाएंगे कि मजीद इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और साथ में अब मैं क्या करूंगी, इसके ये काली मिर्च शामिल कर दूंगी और इसको पका लेंगे। अब जो है मैं चूल्हा चलाने लगी हूं और इसकी आंच फिर भी जो है हम मीडियम ही रखेंगे। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूं, 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। ये देखें जी, ये अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और कंसिस्टेंसी इतनी आपने रखनी है। अब मैं कर दूंगी चूल्हे को बंद और इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
15 मिनट हो चुके हैं डो को। अब इस तरह मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अब मैं इसको करूंगी इस तरह से अच्छे से और इस डो को हम ले लेंगे। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो डो है वो अच्छे से राइज हो चुकी है और अब हमने इसको थोड़ा सा जो है वो नीड करना है मजीद। हमें 1 से 2 मिनट और इसको अच्छे से आटे की शेप दे देंगे। अब हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको थोड़ा सा डस्ट करके बेल लेंगे। अब मैं इसको करूंगी साइड पे, यहां पे करेंगे आटा डस्ट अच्छे से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसकी जो मोटाई है थिक एंड थिन वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। हमारी अब ये डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर चीजें सेट करेंगे। अब ये देखें व्यूअर्स, मैंने डायरेक्ट ही बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो ऑयल डालेंगे और अब हम इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे इसकी। अब हमने ऑयलिंग इस पर अच्छे से कर ली है, अब हम जो मैदा है उससे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। इससे जो आपकी पिज्जे की डो है या कोई भी आपकी बेकिंग वाली चीज है वो नीचे चिपकती नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया। अब सबसे पहले जो है हम सॉस रेडी करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कुटी हुई मिर्च को हम इस पिज्जा सॉस के अंदर, जो पिज्जा टोमेटो सॉस है उसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं बचा लूंगी इसमें से स्प्रिंकल करने के लिए और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन ये बेहतर तरीका है। चलिए हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे साइड पे और कांटा ले लेंगे फोक और उसकी मदद से हम इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। आपने ये स्टेप कभी भी नहीं भूलना। अब हम इस पे सॉस लगाएंगे, इसको आपने अच्छे से फैला लेना इसके ऊपर। मैंने जो सॉस है वो अच्छे से लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे और इसको फैला लेंगे। मैंने चिकन को भी अच्छे से सेट कर लिया है, अब हम करेंगे जो कैप्सिकम हमने लिए हैं इसको हम जोड़ेंगे इसके ऊपर। अब इसी तरह मैं अंदर वाली साइड पर भी सेट करूंगी। हम एक ग्रीन एक रेड के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए पिज्जे को सेट करेंगे। अब मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है इसके ऊपर सेट कर ली है, अब लास्ट पर हम जो है स्लरी ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें अब हमने स्लरी के साथ इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब लास्ट पर जो है हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स जो बचाए हुए थे वो हम डालेंगे। आप चाहें तो इसके साथ ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इसको ओवन में पकने के लिए रख रही हूं, साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो पिज्जा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो पिज्जा है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। आप इसको मैं आपको नीचे से चेक करवाती हूँ। ये देखें इसकी डो जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है और ये बा आसानी जो है पिज्जा अपनी जगह से हिल रहा है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको कट करने लगे हैं। ये देखें, अब मैं आपको टर्न करके भी दिखाती हूँ और इसकी डो भी बहुत सॉफ्ट है हमारी, और ये मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक करवा देती हूँ। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है,
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।